हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एग पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कप बासमती राइस को अच्छी तरह से धोकर पानी में 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा है। चूल्हे पर कढ़ाई को बिठा दिया है। इसमें डाल देंगे 1 कप सरसों का तेल, 1 हल्का गर्म हो गया है। डाल देंगे आलू के टुकड़े। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के आलू को टुकड़ों में काट कर लिया है। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आलू के टुकड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी इनको तेल से निकाल लेते हैं। तो अभी इसी तेल में हम डाल देंगे बॉयल किए हुए अंडे। 4 अंडों को हमने यहाँ पर बॉयल करके लिया है। अंडों को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई हो गए हैं, इनको तेल से निकाल लेते हैं। तो अभी तेल में हम डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 जयत्री का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 2 से 3 काली मिर्च, और साथ में डाल दिया है 2 तेजपत्ता, चॉप्ड किए हुए प्याज। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज के प्याज को चॉप्ड करके लिया है। प्याज सॉफ्ट हो गया है, डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम डाल देंगे टमाटर के टुकड़े। यहाँ पर हमने 2 टमाटर को टुकड़ों में काट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तो अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटर पूरा सॉफ्ट होने तक इनको हमें भुनना है। तो देखिए टमाटर पूरा गल चुके हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अभी हमने डाल दिया है चॉप्ड किए हुए पुदीना के पत्ते। तो अभी मसालों में हम डाल देंगे चावल। चावल को हमने पानी से निकाल लिया है। चावल डालने के बाद मसालों के साथ चावल को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भुनेंगे। तो अभी हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अभी हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू के टुकड़े और इनको हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। लगभग 5 मिनट हो गया है। अभी चावल को हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेंगे। चावल को हल्के हाथों से चला लिया है। अभी डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे। अंडे डालने के बाद साथ में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप लोग चाहें तो गरम मसाला पाउडर के साथ 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और अभी इनको फिर से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। लगभग 10 मिनट हो गया है। अभी इनको हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेते हैं और अभी चावल को और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गया है, हमने ढक्कन हटा लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही
खिले खिले चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं हमारा बहुत ही टेस्टी एग पुलाव। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।